ओम ज्ञानतिमिरान्तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादे पाश्चात्यदेशधारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 16। शुश्रूषोषधानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निशेवनात्। ओ टॉइस बॉर्न सेजेस, बाय सर्विंग दोज डिवोटीज हु आर कंप्लीटली फ्रीड फ्रॉम ऑल वाइस ग्रेट सर्विस इज डन। बाय सच सर्विस वन गेन्स एफिनिटी फॉर हियरिंग द मैसेजेस ऑफ वासुदेव। ऐसे महान भक्तों का महत् सेवा, महान भक्तों का जिनका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध है हर प्रकार के भौतिक कल्मशों से, उनका सेवा करने से बहुत ही महान सेवा हो जाती, बहुत ही बड़ी सेवा हो जाती है। और ऐसा करने से भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण के प्रति, उनके कथा के प्रति रुचि विकसित हो जाती है, जो उनके प्रति कोई भाव विकसित कर सकता है, प्रेम प्राप्त कर सकता है। तो कल हमने इस पर चर्चा किया था किस प्रकार से इस संसार में जो जीवात्माएं हैं, बद्ध जीवात्माएं हैं, वो भगवान से विमुख होने के कारण इस संसार में है। और भगवान तो बोलते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतय भजाम्य। भगवान न्यूट्रल रहते हैं, उदासीन रहते हैं, नमे देश्वस्ति नमे प्रिया, ना तो मेरे को किसी से द्वेष है ना ही किसी से प्रेम है, मैं पार्शियल नहीं, एक समान हूँ सबके लिए। तो जो जिस रूप में जिस भाव में मुझे अप्रोच करता है मैं उसको वैसे स्वीकार करता हूँ। जो भगवान से विमुख होना चाहते हैं तो भगवान उनको मौका देते हैं, ठीक है आप विमुख होकर के जो करना चाहो करो। जिस प्रकार से जो विमुख हो जाते हैं और पाप कार्य में लगते हैं तो वो जन्म जन्म जन्मांतर, यानी एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, हर जन्म धीरे धीरे इस प्रकार से वो तमोगुण में प्रवेश करते जाते हैं, नरक की योनियों में प्रवेश करते जाते हैं। उनके बाहर निकलने का फिर कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि ये कर्म बंधन इस प्रकार से है कि कोई व्यक्ति जो पाप करता है तो पाप करने का उसको दुष्परिणाम तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही साथ में वो पाप करने का, पाप करने के कारण एक पाप करने की प्रवृत्ति और प्रकट हो जाती है। तो अगले जन्म में फिर और ज्यादा वो पाप करता है, फिर और आगे जाएगा तो और आगे पाप करता जाएगा। इस प्रकार से ये एक चेन रिएक्शन की तरह होता है, जो बढ़ता ही जाता है, उतना ही ज्यादा भगवान से और दूर से जाता रहता है। और भगवान क्योंकि फ्री विल दिया है, स्वेच्छा दिया है, इसलिए उसको बलपूर्वक उसको अपना भक्त नहीं बनाते। भगवान उसको मौका देते हैं कि अगर आप मेरे से विमुख होकर के संसार में भोग करना चाहते हो तो आप भोग करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साथ ही साथ में भगवान उसके प्रति चिंतित भी रहते हैं, कि उसके दुख को देख करके भगवान के हृदय में चिंता होती है। इसलिए भगवान पर्सनली डायरेक्टली उसके जो फ्री विल है, स्वेच्छा है, उसको हस्तक्षेप नहीं भी करना चाहते हैं, और साथ ही साथ में उसको वापस से अपने भक्ति योग में लगा के उसका उद्धार करने का भगवान जो उनका हृदय में चिंता है वो भी करते हैं। तो वो कैसे करते हैं,
भगवान ऐसी स्थिति में अपने किसी भक्त को अपनी शक्ति से संचारित करके ऐसे बद्ध जीवों के बीच में भेजते हैं, जो उन बद्ध जीवात्माओं की स्थिति के अनुसार उनको धीरे धीरे अलग अलग तरीके से भगवान के मार्ग में लेकर आते हैं। तो कई बार कुछ ऐसे जीवात्माएं होती हैं, ऐसी स्थिति में होते हैं जो कि डायरेक्ट वैदिक संदेश, वैदिक संस्कृति को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, भगवान विष्णु नारायण राम कृष्ण को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो उनके सामने फिर भगवान ऐसे अपने भक्त को भेजते हैं जो कि उनको अलग तरह का धर्म का प्रचार करके धीरे धीरे भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। और यही कारण है कि इतने सारे अलग अलग प्रकार के रिलीजन है, धर्म है, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम, इस्लाम, ज्यूस, बहुत सारे अलग अलग इस प्रकार के धर्म होने का यही कारण है। भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक भजन में लिखते हैं, वो बताते हैं कि जब मैं देखता हूँ कि इतने सारे पूरे विश्व में इतने सारे हजारों प्रकार के धर्म हैं, तो मेरा कृष्ण के प्रति प्रेम और बढ़ जाता है। साधारण सामान्यतः जिनके पास ज्ञान नहीं होता है, तो वो जब देखते हैं कि इतने अलग अलग प्रकार के धर्म हैं, तो उनका भगवान के प्रति जो आस्था है, श्रद्धा है, वो और खत्म हो जाता है। वो सोचते हैं कि अगर भगवान एक ही है तो इतने सारे अलग अलग धर्म क्यों हैं? इस्लाम के लिए अल्लाह भगवान है, और हिंदुओं के लिए राम कृष्ण भगवान है, और जो क्रिश्चियन के लिए उनके लिए गॉड भगवान है। इस प्रकार से अलग अलग, क्या भगवान भी अलग अलग हैं? उनके बीच में भी फाइटिंग होता रहता है क्या? इसलिए ऐसे लोग कंफ्यूज होके पूरी तरह से नास्तिक ही बन जाते हैं। और जबकि उनको करना क्या चाहिए कि प्रॉपर तरीके से प्रामाणिक स्रोत से ज्ञान अर्जन करना चाहिए, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर एक महान आचार्य हैं, समस्त वैदिक ग्रंथों के सार को जानते हैं। तो वो जब देखते हैं कि इतने सारे अलग अलग धर्म हैं, तो उनका कृष्ण के प्रति प्रेम और बढ़ जाता है। वो विचार करते हैं कि भगवान कृष्ण कितने परम दयालु हैं, कि जो व्यक्ति, ऐसे लोग भी जो कि उनको डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से आके समर्पण नहीं कर सकते हैं, धर्म का पालन नहीं कर सकते हैं, तो भगवान उनके प्रति भी कृपा करके उनको भी धीरे धीरे अलग अलग धर्म निर्मित कर करके उनको धीरे धीरे अपने मार्ग में लेके आने का प्रयास करते रहते हैं। भले ही इसमें लाखों लाखों जन्म लग जाए, लेकिन भगवान धैर्य पूर्वक वो कार्य हमेशा करते हैं। तो इससे, इसलिए उनका भगवान के प्रति प्रेम और बढ़ जाता है। और इसी कार्य को करने के लिए भगवान अपने किसी प्रतिनिधि को भेजते हैं शक्ति संचारित करके, और ऐसे जो प्रतिनिधि होते हैं उनको शक्ति आवेश अवतार कहा जाता है, जो अलग अलग प्रकार के धर्मों का प्रचार करके उस समय परिस्थिति अनुसार उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं, भगवान के मार्ग में लाने का प्रयास करते हैं। जैसे जीसस क्राइस्ट हुए, तो जीसस क्राइस्ट को प्रभुपाद जी और हमारे श्रील प्रभुपाद जी और भक्तिदानंद महाराज भगवान के भक्त के रूप में स्वीकार करते हैं, और हमारे गुरु प्रभुपाद जी बोले कि जीसस क्राइस्ट इज आवर गुरु, और शक्तिवेश अवतार के रूप में स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान का प्रचार किया। और जीसस क्राइस्ट अंतिम समय में जाते जाते उन्होंने बोला भी कि मुझे आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक जीवन के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है आपको, लेकिन आप वो सब अभी समझ नहीं पाएंगे, उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी तक मैंने जितना बताया है, जितना शिक्षा दिया है आपको, आप उसको दृढ़ता पूर्वक आप उसको पालन करो, इसी से आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकोगे। तो इस प्रकार से जीसस क्राइस्ट इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो जानते थे भली भांति कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण का धाम है, सब कुछ जानते थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण का नाम प्रकट नहीं किया, उनके गुण रूप लीलाओं को प्रकट नहीं किया, केवल गॉड करके बताया कि देयर इज गॉड, ऑलमाइटी गॉड, और आप उनको समर्पण करो। जीसस क्राइस्ट बताया, जब उनको पूछा गया कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, तो उन्होंने बताया गॉड गॉड थॉट लेट देयर बी अर्थ एंड देयर वाज अर्थ, कि भगवान ने ये सोचा या भगवान ने इच्छा किया कि सृष्टि होनी चाहिए, और इसलिए सृष्टि फिर बन गई, भगवान सर्वशक्तिमान। केवल इतना ही वर्णन किए, वो इतना डिटेल में नहीं बताया कि भगवान विष्णु, महाविष्णु के शरीर से ब्रह्मांड निकलता है, और फिर ब्रह्मा जी वो पूरा जो है पंच तत्व भगवान बना के देते हैं, इंग्रेडिएंट कच्चा माल देते हैं, फिर ब्रह्मा जी उसका इस्तेमाल करके अन्य अन्य ग्रहों का रचना करते हैं, फिर 14 प्रकार के प्लेनेटरी सिस्टम होते हैं, देवता होते हैं, ये होते हैं, क्योंकि इतना डिटेल वो लोग स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए उनको केवल इतना ही बताया कि गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है,
भगवान इच्छा करते हैं, उनके इच्छा करने मात्र से सूर्य बन गया, चंद्रमा बन गया, पृथ्वी बन गया, पूरा संसार बन गया, इतना ही मेंशन किए हैं। लेकिन हमारे वैदिक संस्कृति में, भागवत ग्रंथ में, हमको पूरा डिटेल में पता चलता है कि हाउ गॉड इज ग्रेट, भगवान महान कैसे हैं, भगवान ने कैसे सृष्टि की रचना की, भगवान कौन है, उनका कैसे दिखते हैं, उनका रूप रंग कैसा है, गुण कैसा है, नाम कैसे कहाँ है, भगवान क्या चाहते हैं, ये सब इसमें वर्णन प्राप्त होता है। लेकिन अलग अलग धर्मों में केवल उतना ही ज्ञान दिया गया है आध्यात्मिक जीवन के बारे में जितना वहां के लोग स्वीकार करके धीरे धीरे आगे बढ़ सके, फिर क्योंकि जब धीरे धीरे एटलीस्ट कम से कम वो भगवान को समर्पण करेंगे, किसी के पास जाके मानेंगे कि हाँ कोई तो है परम शक्ति जो सब कुछ नियंत्रण करता है, तो फिर धीरे धीरे वो लोग आगे चल के वैदिक संस्कृति को भी स्वीकार कर पाएंगे, भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी उद्देश्य से भगवान अलग अलग ऐसे अपने महात्माओं को भेजते हैं जिनके संपर्क में आने से व्यक्ति इस प्रकार का, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग भी हैं, आसुरी प्रवृत्ति के लोग भी हैं, जिनके हृदय में पूर्ण रूप से भगवान के विरोध में इच्छा है, भगवान के पूरी तरह से जो विमुख है, नास्तिक है, तो ऐसे महत लोग, महत भक्तों का, महान भक्तों का आश्रय प्राप्त करके, उनका संग प्राप्त करके, ऐसे लोग भी धीरे धीरे भगवान के प्रति श्रद्धा विकसित करते हैं और फिर वो आगे बढ़ते प्रगति करते हैं, तो पाप आत्मा से वो पुण्य आत्मा बनते हैं धीरे धीरे। द सर्वेंट्स ऑफ गॉड आर टू बी रिस्पेक्टेड एज गॉड बाय द डिवोटीज हु एक्चुअली वांट टू गो बैक टू गॉड हेड। और इसीलिए यही कारण है कि ऐसे जो भगवान के सेवक होते हैं उनको भगवान की जैसा आदर सम्मान देना चाहिए। ये जो लोगों का ये दायित्व है, शिष्य का या लोगों का दायित्व है कि वो ऐसे महान जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, आचार्य होते हैं, गुरु होते हैं, उनको भगवान के बराबर सम्मान देना चाहिए, लेकिन उनको भगवान नहीं बोलना चाहिए, उनको भगवान नहीं समझना चाहिए, ये नहीं कि उनको ही भगवान बना दिया। और ना ही जो प्रामाणिक गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, वो अपने आप को कभी भगवान कह के क्लेम करते हैं। जैसे जीसस क्राइस्ट ने कभी क्लेम नहीं किया कि आई एम गॉड। जीसस क्राइस्ट हमेशा क्या बोले कि आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का पुत्र हूँ। वैसे मोहम्मद ने भी क्या बोले, वो कि मैं पैगंबर हूँ, भगवान का संदेश वाहक हूँ। रूपा जी क्या बोले, मैं भगवान का सर्वेंट हूँ, आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड। इस प्रकार से जो भी प्रामाणिक आचार्य होते हैं, गुरु होते हैं, वो यही शिक्षा देते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश कालांतर में कुछ जो उनके फॉलोवर होते हैं वो उनको ही भगवान मानने लग जाते हैं। सच सर्वेंट्स ऑफ गॉड आर कॉल्ड महात्मास और तीर्थस एंड दे प्रीच अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। द सर्वेंट्स ऑफ गॉड अर्ज पीपल टू बिकम डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, दे नेवर टॉलरेट बीइंग कॉल्ड गॉड। श्री चैतन्य महाप्रभु वॉज गॉड हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द इंडिकेशन ऑफ द रिवील स्क्रिप्चर्स, बट ही प्लेड द पार्ट ऑफ अ डिवोटी। पीपल हु न्यू हिम टू बी गॉड एड्रेस हिम एज गॉड, बट ही यूज टू ब्लॉक हिज ईयर्स विथ हिज हैंड्स एंड चैंट द नेम ऑफ लॉर्ड विष्णु। ही स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट बींग कॉल्ड गॉड, although undoubtedly he was God himself. The Lord behaves so to warn us against unscrupulous men who take pleasure in being addressed as God. इस प्रकार से जो भगवान के शुद्ध असली प्रतिनिधि होते हैं, वास्तविक प्रतिनिधि होते हैं, सर्वेंट होते हैं, प्रामाणिक आचार्य गुरु होते हैं, साधु होते हैं, तो वो अपने आप को कभी भी भगवान घोषित नहीं करते, और ना ही घोषित करना तो दूर की बात है, ना ही वो किसी अन्य के द्वारा घोषित करने को स्वीकार करते हैं, बल्कि वो पूरी तरह से उसको रिजेक्ट कर देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, पूरी तरह से उसको अस्वीकार करते हैं, यहाँ तक कि, और ये श्री चैतन्य महाप्रभु इस बात को आदर्श रूप में स्थापित किए स्वयं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु हालांकि स्वयं तो परम भगवान है, कृष्ण है, और ये बहुत सारे ऐसे प्रामाणिक ग्रंथों के द्वारा ये प्रमाणित है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, और उनके कुछ भक्त जानते थे इस बात को, और वो कभी कभी इस प्रकार से जब भगवान चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण या भगवान के रूप में संबोधित करते थे, तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत जो है गुस्सा होते थे उनके ऊपर, और अपने दोनों कानों को बंद कर देते थे, और भगवान विष्णु का स्मरण करते थे, विष्णु 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 ऐसा स्मरण करते थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान होते हुए भी कभी अपने आप को भगवान स्वीकार नहीं किए, ये उदाहरण या आदर्श सेट करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को भगवान नहीं बोलना चाहिए।
इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी अपने आप को या तो भगवान खुद घोषित करता है या अपने शिष्य फॉलोवर के द्वारा घोषित करवाता है या उनके द्वारा बोले जाने पे उनको रिजेक्ट नहीं करता है या उनका उनको प्रोटेस्ट नहीं करता है या उनको मना नहीं करता है, इसका मतलब वो प्रामाणिक आचार्य प्रामाणिक गुरु नहीं है। वो एक ढोंगी है जो मन ही मन ऐसा सोचता है विचार करता है कि वो भगवान है। प्रभुपाद जी के टाइम पे एक एक व्यक्ति आए, फिर बाद में प्रभुपाद जी के शिष्य बने, भक्त बन गए, महान भक्त हुए, है ना। एनडी एनडी देसाई करके उनका नाम है। वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे उस समय के, श्रीनाथ जी प्रभु। फिर बाद में जब दीक्षा हुआ उनका तो श्रीनाथ जी प्रभु के नाम से जाने गए वो, विख्यात हुए। एनडी देसाई महान एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हुए अपने भारत में। तो वो प्रभुपाद जी से मिले तो उसके पहले वो एक मायावादी गुरु के मतलब शिष्य थे। तो वो प्रभुपाद जी के पास आके टेस्ट करते थे। कई साल उन्होंने प्रभुपाद जी को चेक किया कि ये प्रमाणिक है कि नहीं है, ऐसा है। तो शुरू में जब वो आए थे तो प्रभुपाद जी को बोलते थे कि हमारे जो गुरु है वो खुद भगवान है। तो प्रभुपाद जी बस उनको सिंपल सा चीज बोले कि आपके गुरु भगवान है तो आप जाके अपने गुरु को पूछो, ये चैलेंज है हमारी तरफ से कि अगर वो भगवान है तो क्या वो एक टेबल को केवल कुछ घंटे के लिए उठा सकते हैं अपने हाथ में। भगवान जो है, भगवान कृष्ण तो गोवर्धन पर्वत को 7 दिन 7 रातों तक अपने लेफ्ट हैंड बाएं हाथ की छोटी उंगली में 7 दिन 7 रात तक उठाए थे। तो आपके गुरु भी अगर भगवान है तो बस उनको ये पूछो कि एक सामने जो टेबल रखा है उसको केवल कुछ घंटे तक अपने हाथ में उठा के रखे, तो अगर उठा देंगे तो फिर हम उनको स्वीकार करेंगे कि हाँ ठीक है, भगवान के कुछ तो बराबरी कर सकते हैं। तो इनको ये बहुत लॉजिकल लगा, सही बात है कि अगर वो अपने आप को भगवान घोषित करते हैं तो कर पाना चाहिए। तो वो गए और पूछे उसको कि आप कर सकते हैं ऐसा, तो साफ साफ मना कर दिया, नहीं नहीं ये सब मैं नहीं कर सकता हूँ। तो वो समझ गए कि ये जो है ढोंगी है, धोखा देने का प्रयास कर रहा है, कोई भगवान भगवान नहीं। फिर और भी कन्वर्सेशन हुआ, संवाद हुआ। प्रभुपाद जी उनको बहुत ही प्रामाणिक तरीके से शास्त्रों का तर्क दे करके, शास्त्रों को श्लोकों को बता करके, प्रामाणिक ज्ञान करके उनको समझाए, तब वो समझ पाए कि वास्तव में वो व्यक्ति भगवान नहीं है। फिर प्रभुपाद जी के वो शरणागत हुए, शिष्य बने और प्रभुपाद जी उनको शिक्षा दिए। जिस प्रकार से आज भी ऐसे हजारों लाखों की संख्या में लोग हैं जो भ्रमित हैं कि जो किसी न किसी ऐसे ढोंगी साधु गुरु या योगी को भगवान स्वीकार कर लेते हैं, तो कई बार तो ये ढोंगी साधु गुरु लोग भी अपने आप को भगवान बोलते हैं, कई बार वो लोग नहीं भी बोलते हैं। उन्होंने तो अपने जीवन में कभी बोला नहीं भगवान है, वो अपने आप को हमेशा भगवान का दास या भक्त बोले, लेकिन उनके फॉलोवर फिर उनको भगवान बना देते हैं और उनका फिर पूजा करते हैं, विग्रह बना के मंदिर में पूजा करते हैं। गुरु का जो प्रामाणिक आचार्य होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उनका पूजा करने का को मना नहीं किया गया है, बल्कि पूजा तो करना ही चाहिए। आचार्य उपासना भगवान कृष्ण गीता में खुद बोलते हैं, आचार्य माम अभिजानी या नाभ मन्नेत करहि चेत, कि आचार्य को मेरे समान ही मानना चाहिए और मेरे जैसे ही पूजा करना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन गुरु का पूजा कैसे होता है? कृष्ण के अधीन करके गुरु का पूजा होता है। गुरु को स्वतंत्र रूप में अगर कोई पूजा करेगा तो वो अप्रामाणिक है। जैसे हम लोग मंदिरों में, इस्कॉन के हर मंदिर में प्रभुपाद जी का पूजा हम करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी को पूजा हम कैसे करते हैं? कृष्ण को केंद्र में रखते हैं, हमारे जो ऑल्टर होते हैं कृष्ण केंद्र में होते हैं, और फिर कृष्ण का पूजा होता है और फिर प्रभुपाद जी का भी पूजा होता है। तो यानी वो एक कनेक्शन बना रहता है, यहाँ कोई भी व्यक्ति कंफ्यूज नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति प्रभुपाद जी को भगवान नहीं समझेगा, प्रभुपाद जी को भगवान कृष्ण का एक शुद्ध भक्त, महान प्रामाणिक आचार्य के रूप में ही देखते हुए उनका पूजा करेगा। हाँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अलग से कोई ऐसा मंदिर बनाता है और केवल किसी साधु गुरु या योगी को अलग से सिंहासन में बैठा के और भगवान के जैसे सोने का श्रृंगार पहना के, पगड़ी पहना के, ये सब करके अगर पूजा करता है तो लोग भ्रमित हो जाते हैं, लोग सोचते हैं कि यही भगवान है, और साथ में फिर वो घोषणा भी कर देते हैं कि यही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। तो इस प्रकार से भ्रम पैदा हो जाता है। तो आप जिनका पूजा कर भी रहे हैं तो उन्होंने कभी घोषणा नहीं किया कि मैं भगवान हूँ। तो आप अगर इस प्रकार का पूजा करते हैं, कोई भी व्यक्ति करता है, तो वास्तव में वो व्यक्ति भी आपसे प्रसन्न नहीं होगा, है ना। जिस प्रकार से नारद मुनि जब गए थे ब्रह्मा जी के पास और नारद मुनि उनको बोले ब्रह्मा जी को कि मुझे लगता है कि आप ही परम भगवान हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ आपने ही पूरा सृष्टि किया है, आपके पास हर प्रकार की सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, आप हर प्रकार का जो है प्रकृति को नियंत्रण कर रहे हैं, तो आप ही भगवान हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं, नहीं नहीं नारद, ये मूर्खता कभी मत करना ये समझने का कि मैं ही भगवान हूँ। मैं भगवान नहीं हूँ,
मैं तो परम भगवान नारायण का एक तुच्छ दास हूँ, और मैं जो भी करता हूँ मेरा खुद का शक्ति नहीं है, तो भगवान नारायण से ही सब कुछ प्राप्त होता है। फिर ब्रह्मा जी बहुत ही अच्छे तरीके से, ये भागवत में है, सेकंड कैंटो में आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से किस प्रकार से भगवान नारायण की शक्ति प्राप्त करके वो पूरा सृष्टि करते हैं। तो जब ब्रह्मा जी जो कि इतने महान देवता हैं, जिनके पास ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी दिव्य शक्तियां हैं कि वो केवल सोचते हैं, विचार करते हैं, ध्यान में बैठते हैं और अपने आप जो है सृष्टि जो है अलग अलग ग्रह निर्माण होते जाते हैं। ब्रह्मा जी को जाके वो लेके नहीं जाना पड़ता है कि अलग अलग अपना इंस्ट्रूमेंट लेके जाएंगे और आर्किटेक्ट बन के नक्शा बनाएंगे और फिर जो मजदूर लोग उनको गाइड करेंगे कि यहाँ पे ऐसे ऐसे क्रिएशन कर, नहीं, वो बस ध्यान में बैठते हैं, समाधि में बैठते हैं और क्रिएशन करते हैं। उनको जब अलग अलग स्पीसीज, 84 लाख स्पीसी योनिया है, उनको प्रकट करना होता है, तो ब्रह्मा जी को कहीं जाके कुछ करना नहीं होता है, वो बैठ के ध्यान करते हैं, समाधि में बैठते हैं और अलग अलग स्पीसीज उत्पन्न हो जाती है, यानी भगवान करते हैं उनके माध्यम से। इस बात को बड़े स्पष्ट रूप में ब्रह्मा जी बताए हैं। ब्रह्मा जी के जैसा आज के संसार में कोई आ जाएगा तो लोग तो तुरंत उसको भगवान मान लेंगे, और आज के जो इस प्रकार के योगी हैं, जो ढोंगी साधु गुरु हैं, ये लोग तो ब्रह्मा जी के जैसा कोई शक्ति प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी लोग अज्ञानता में होने के कारण ऐसे लोग को भगवान समझ लेते हैं। लेकिन प्रामाणिक आचार्य कभी अपने आप को भगवान घोषित नहीं करते हैं, वो हमेशा अपने आप को सेवक के रूप में देखते हैं भगवान के। द सर्वेंट्स ऑफ गॉड कम टू प्रोपगेट गॉड कॉन्शियसनेस एंड इंटेलिजेंट पीपल शुड कॉपरेट विद देम इन एवरी रिस्पेक्ट। बाय सर्विंग द सर्वेंट ऑफ गॉड वन कैन प्लीज गॉड मोर देन बाय डायरेक्टली सर्विंग द लॉर्ड। इसीलिए जो भगवान के सेवक होते हैं वो भगवान भगवत चेतना का प्रचार करने के लिए आते हैं, तो जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है उनको स्वीकार करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनके साथ उनको सहयोग दे करके भगवान के इस मिशन में भाग लेना चाहिए। इस प्रकार से जब कोई ऐसे भगवान के सेवक जो प्रचार कार्य में लगे हैं उनको सहयोग करते हैं, तो ये सहयोग के माध्यम से वो उनका सेवा करते हैं, और ये जो सेवा होती है ये भगवान की सेवा करने से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। भगवान खुद बोलते हैं कि मेरी मत पूजा विधि कहा, कि मेरे मेरी पूजा से भी ज्यादा अधिक है मेरे भक्त का पूजा करना, यानी मेरे भक्त का सेवा करना, मेरे भक्त का सहयोग करना, क्योंकि वो जो मेरा भक्त होता है, प्रामाणिक भक्त, शुद्ध भक्त होता है, वो अपना पूरा जीवन रिस्क में लगाता है, रिस्क में डाल के संसार के बद्ध जीवों को प्रचार कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति को ऐसे मेरे जो भक्त है, जो मेरे प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, उनका पूर्ण रूप से वो सेवा करे, सहयोग करे, और यही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। द लॉर्ड इज मोर प्लीज वेन ही सीज दैट हिज सर्वेंट्स आर प्रॉपरली रिस्पेक्टेड, बिकॉज सच सर्वेंट्स रिस्क एवरीथिंग फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड एंड सो आर वेरी डियर टू द लॉर्ड। द लॉर्ड डिक्लेयर्स इन द भगवद गीता दैट नो वन इज डियर टू हिम देन वन हु रिस्क एवरीथिंग टू प्रीच हिज ग्लोरी। बाय सर्विंग द सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड वन ग्रेजुअली गेट्स द क्वालिटी ऑफ सच सर्वेंट्स एंड दस वन बिकम्स क्वालिफाइड टू हियर द ग्लोरीज ऑफ द गॉड। ये भगवान ये चाहते हैं कि हर कोई उनके जो ऐसे शुद्ध सेवक हैं, शुद्ध भक्त हैं, जो अपना सर्वस्व जो है दांव पे लगा करके, यहाँ तक जीवन भी दांव में लगा करके भगवान का प्रचार करने में लगे हुए हैं, तो ऐसे जो भक्त होते हैं भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं, और इसीलिए ऐसे भक्तों का सेवा करना चाहिए, और ऐसे भक्तों का सेवा मतलब ऐसे भक्तों को सहयोग करना चाहिए उनके प्रचार के कार्य में, मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। जब इस प्रकार से भगवान देखते हैं कि उनके ऐसे किसी शुद्ध भक्त को कोई मदद करता है, सहयोग करता है, उनका सेवा करता है, तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति पे। और जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त इस प्रकार के शुद्ध आचार्य, शुद्ध वैष्णव का सेवा करते हैं, तो उनका सेवा करने से उन वो जो शुद्ध वैष्णव के हृदय में जिस प्रकार से भगवान के प्रति प्रेम है, कथा के प्रति रुचि है, नाम के प्रति रुचि है, वैसा वो हम भी उस प्रकार से फिर रुचि विकसित कर सकते हैं। The eagerness to hear about God is the first qualification of a devotee eligible for entering the kingdom of God. तो भगवान के बारे में वासुदेव कथा रुचि, भगवान के बारे, भगवान की कथा में रुचि होना ये सबसे पहली योग्यता है, तो सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है, जिसके बिना कोई भगवान के धाम जा नहीं सकता है। तो और इस योग्यता को केवल और केवल ऐसे शुद्ध वैष्णव, शुद्ध भक्तों का सेवा करके, उनकी आज्ञा का पालन करके ही प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको कंफर्म करते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादम, यस्य अप्रसादान न गति कुतोपि। यस्य मतलब भगवान के शुद्ध भक्तों का कृपा से, उनकी सेवा से भगवत प्रसाद, भगवान की कृपा मिल जाती है, और यस्य अप्रसादान
अगर भगवान के शुद्ध भक्त अप्रसन्न हो गए, उनको हमने अगर तकलीफ दिया, दुख दिया, या उनका अपमान किया, उनके प्रति अपराध किया, तो न गति कुतो अपि, फिर ऐसे व्यक्ति का कोई गति नहीं होता है, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते ऐसे व्यक्ति का। इसलिए हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे प्रामाणिक आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद जी भगवान के जो महान शुद्ध भक्त है, जिनके बारे में भविष्यवाणी भगवान कृष्ण स्वयं करते हैं, श्री चैतन्य महापुरुष स्वयं करते हैं, और बहुत सारे आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, यहाँ तक कि दूसरे संप्रदाय के आचार्य भी जिनके बारे में भविष्यवाणी करते हैं। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, तो हमको प्रभुपाद जी के आदेशों का पालन करते हुए उनके से उनका सहयोग, उनको सेवा देना चाहिए। इस माध्यम से हम भगवान कृष्ण के प्रति रुचि विकसित कर पाएंगे। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने मेरे मदद किया।